ये थोड़ा ऐसी बात जो कैमरा है तो करता है, वैसे बंदा बड़ा मजेदार है, बट कैमरा आते ही सामने। हाँ हाँ चल क्या ना सामान मम्मी क्या है, मम्मी क्या है ये आइटम, किधर चलना अब है, किधर चलना अब, बस कह रही तरह भाई है अब बस ले लो अपना मकाजा की तरफ। अब ये नहीं बोले कि मेरा पुत्र है तेरा भाई है। हाँ जी माता जी, फिर आज हम आपको लेके जा रहे हैं ये वाला गांव दिखाने जहाँ पे मैं रहने आया हूँ। इसका ये बिल्कुल छोटा सा पिंड है और यहाँ पे आपको लोगों को भी दिखाते हैं, मम्मी को भी दिखाते हैं कि भाई यहाँ के जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पे सिटी सेंटर गांव का कैसा होता है, सेंटर म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर, छोटी मोटी गलियाँ, चार पाँच गलियों के गाँव होते हैं कैसे होते हैं, लोग यहाँ पे जो है किस तरह के माहौल में एनवायरमेंट में रहते हैं। तो ज़रा एक छोटी सी गेट लगाते हैं और क्योंकि अब ड्रोन आ गया नवा वाला तो थोड़ा ड्रोन भी उड़ा लेंगे, तो आपको एरियल व्यूज़ भी दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे जमी हुई नदियाँ हैं जिसके आसपास लोगों ने घर ले रखे हैं और कैसा जो है एक विलेज स्टाइल माहौल कनाडा में विंटर्स में दिखता है। क्यों भाई आपने देखा पहले कभी? दूसरी साइड देखा, यहाँ नहीं देखा। कौन सी साइड देखा? ओटावा साइड। ओटावा में कौन से पिंड है? पिंड तो है भैया, है तो अच्छा वो खेत वेत तो है, वो बाहर निकल गया ना, मगर ये तो जंगल पिंड है, ऐसा तो नहीं देखा मैंने वहाँ पे, वहाँ खेत है, पहाड़ नहीं है पर हाँ ये बात ठीक है। वहाँ पे ऑटो वाली साइड पे जो है वहाँ पे फार्मिंग ज्यादा होती है, बिल्कुल प्लेन लैंड्स है, मगर हाँ विलेजेस तो किसी भी आप शहर से बाहर निकलो आ जाती हैं, मगर ये जो है थोड़ा सा माउंटेनस भी है और थोड़ा वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पे, क्योंकि हिरन विरन तो सड़कों पर घूमते हुए नजर आ जाते हैं। कनाडा के जमे हुए पहाड़ों, मैदानों और झीलों के बीच से होते हुए कुदरत की गोद के बीचों बीच बसा एक गांव अपनी मोम को दिखाता हुआ। मैं हूं ट्रैवलिंग देसी। और ये मेरी माता और भ्राता श्री। हाँ जी फाइनली जहाँ पे मैं रह रहा हूँ मम्मी को अभी ये वाली विलेज दिखाने लेके जा रहा हूँ। मम्मी धीरे धीरे चढ़ के अपना जो है फर्स्ट क्लास, क्योंकि आइस जम गई है सारी रात को। बर्फ से ढके हुए घरों के नजारे यहाँ पे आम होते हैं और गाँव के ये घर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और यहाँ आबादी कुल 2500 की है, इसलिए इक्का दुक्का लोग दिखाई देते हैं, मगर बर्फ हर टाइम सड़क के दाएं बाएं इकट्ठी रहती है। बट हम आ गए फिर इस पुल पे जिसके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये छोटी सी विलेज बसी है, ताकि मैं ये जगह अपनी मम्मी और आप लोगों को एक साथ दिखा सकूं कि कैसे यहाँ पे कई 100 किलोमीटर लंबी नदियों की सतह भी सख्त बर्फ से जम जाती है। और मकाजा इस रीजन का नाम है और यहाँ पे माउंट रमला का एयरपोर्ट भी है, वहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास दूर है, छोटी सी पीछे नदी बह रही है। हाँ और ये इसका नाम है रिवर ह्यूज, ह्यूज ROUGE फ्रेंच में ऐसे कुछ प्रोनाउंस करते हैं, आर को जो आर होता है ना मम्मी फ्रेंच में उसको बोलते हैं आह। हाँ तो ह्यूज, तो रिवर रूज का मतलब होता है लाल नदी। वैसे अभी देखने में सफ़ेद लग रही है मगर जो उसका पानी है ना वो बहुत डार्क कलर होता है, और ये क्वेबेक की सबसे फेमस रिवर्स में से एक है। सारे राफ्टिंग करने के लिए यहीं पे आते हैं एडवेंचर स्पॉट्स, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी आगे जाके बहुत सारे रैपिड है, ये बड़ा पॉपुलर एरिया है उस लिहाज से। और यहाँ पे अभी तो नदी थोड़ा सा टेम्परेचर पिछले 4-5 दिन में बढ़ा है, तो थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, बट मोस्टली ये जमी होती है, बट यहाँ पे क्योंकि मेजर रैपिड है तो थोड़ा सा पानी का बहाव अभी दिख रहा है। और बहुत लोगों ने मेरी वीडियोस देख के मुझसे पूछा कि क्या इन घरों की छत के ऊपर से कोई बर्फ हटाता है, तो सीधा सा जवाब है नहीं।
क्योंकि छतें इंसुलेटेड होती हैं और इनके ऊपर पूरी सर्दियां बर्फ पड़ती, पिघलती, हटती और फिर पड़ती रहती है। और लोग यहाँ ऐसी नदी के किनारे किनारे खूबसूरत घरों में रहते हैं, बट फिलहाल अपना टाइम था ड्रोन उतारने का, जिसकी एक्साइटमेंट में मैं सड़क वैसे ही क्रॉस कर गया जो करनी नहीं चाहिए। बाकी जो है पिंड ब्रिज की उस तरफ है। चलो, हिंदुस्तान के पिंड तो बड़े देखे थे, आज कनाडा का पिंड भी देख लिया। मस्त। चलो और ये है जी 2500 लोगों की आबादी वाली विलेज का पूरा फैलाव। और जी जहाँ पे भी आबादी होती है, चाहे थोड़ी हो चाहे बड़ी हो, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है मेडिकल फैसिलिटीज। तो यहाँ पे जो है चाहे गांव हो चाहे शहर हो, मेडिकल फैसिलिटीज बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। ये जो पीछे आपको दिख रहा है ये छोटा सा हॉस्पिटल है, ओब्वियसली बड़े हॉस्पिटल तो जो यहाँ पे आगे मोन्ट्रमला शहर एक तरीके का है, विलेज टाउन बोलते हैं उसको, वहाँ पे पड़ता है। तो छोटी सी बिल्कुल विलेज है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्लिनिक है, तो यहाँ पे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है। एम्बुलेंस वगैरह पीछे खड़ी होती हैं, यहाँ पे ले आते हैं। तो इसीलिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, मम्मी देख रहे हो सड़कें, फैसिलिटीज़, कूड़ा उठाने वाले जो आते हैं, गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज़ A to Z, एजुकेशन, स्कूल है यहाँ पे एक अपना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से फराहम की गई हैं। तो और ये जैसे आप देख रहे हैं, वैसे जो अभी मैंने आपको दिखाया वो तो सारा सेंटर जो है इसका विलेज का वो है। पीछे थोड़े से वो बने हुए हैं लो राइज अपार्टमेंट जिनको कॉन्डोज बोलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कुछ जो है लोग रहते हैं। और यहाँ पे लोगों की जो मेन जॉब्स वगैरह हैं वो सारे मोन्ट्रमला जाते हैं ज़्यादा जॉब करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा सा कमर्शियल है। बाकी यहाँ पे टूरिस्टी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी कम है, रैपिड वगैरह वाले जो होते हैं या स्कीडू रेंटल वाले वो सारे काम करते हैं, जैसे कि इंडिया के भी हिल स्टेशन में इसी टाइप का काम होता है। और विंटर की सबसे पसंदीदा एक्टिविटीज और यहाँ के सबसे बड़े रोजगार में से एक है ये स्कीडू रेंटल्स जो आपको सामने दिख रहे हैं। और ये जो आइटम है ना, ये बेसिकली स्नो पे फिसलती है, और ये नॉर्मल बाइक या उसकी तरह नहीं होती, स्कूटी वगैरह की तरह, ये पूरा क्योंकि स्लेज लगे हुए हैं इसके नीचे और स्नो में ये घूमते हैं, ट्रैक्स पे निकल जाती है, ऊपर नीचे बहुत हाइट पे भी चली जाती है और बहुत फास्ट चलती है, तो इसीलिए इसका अलग से कंट्रोल आना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल रेगुलर बाइक। और टैंक के ट्रैक की तरह तो इसके नीचे ट्रैक होते हैं, तो लोग ये हैं यहाँ पे रेंट पे लेते हैं, निकल जाते हैं, एंजॉय करते हैं। विंटर्स में एज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स बिफोर, यहाँ पे कोई काम रुकता नहीं है, और क्योंकि वैसे भी टेक्निकली देखा जाए तो लोगों के पास ऑप्शन तो है नहीं, विंटर्स बहुत लंबे होते हैं, तो ये विंटर्स को भी अच्छे से इन्जॉय करते हैं, फिर चाहे कि स्कीइंग हो या फिर कोई और एक्टिविटी हो पूरा। और ये इनका बिजनेस है, ये रेंटल पे ऑफर करते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे और ये रेंट करके ले जाते हैं। हम कोशिश करेंगे, मेरे एक्चुअली ना पड़ोसी के पास है जो, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ उसके पास वो लेक पे चला आ रहा होता है, तो ट्राई मारते हैं कि अगर वो दिखा दे थोड़ा सा, या फिर पता करता हूँ इनके प्राइसेस क्या हैं। बट फिर मेरी नज़र पड़ गई इन लोगों पे और मुझे इनकी यूनिफॉर्म देख के लगा कि शायद ये यहाँ पे काम कर। सो वाइल शूटिंग एंड फ्लाइंग ड्रोन इन दिस एरिया आई केम अक्रॉस दिस जेंटलमैन एंड द काइंड लेडी देयर, एंड बोथ ऑफ देम सीम टू बी वर्किंग टू मेक श्योर दैट एवरीबॉडी ऑन स्कीडू इज ऑलराइट सेफ। जी हाँ, क्योंकि ये इस एरिया में एक बड़ा रोजगार है, तो ये प्रॉपरली मैनेज किया जाता है और इनके ट्रैक्स अलग से बनाए जाते हैं जिनके अपने ट्रैफिक रूल्स होते हैं। और जो लोग इन रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस को इंपोज करते हैं, मैं उनसे मिला। एंड इफ आई वाज टू बाय समथिंग लाइक दैट, हाउ मच वुड इट बी न्यू? राइट नाउ द वे वी सेट अप एंड एवरीथिंग, ब्रांड न्यू, अराउंड 16-17,000. 16-17,000. Yeah. Okay, that's not bad. And how many kilometers would it do? Well, I'll tell you, I'll give you an example. I got like 40 liters in there. Okay. I'm good for about 350. One last question. Yes, go ahead. You speak very fluent English. Are you an original Quebecois or no? Oui, monsieur, je suis. Wow. how do you speak such fluent English? Have you spent time outside Quebec? Or? Oh, yes, a long time. Ah, so, okay. All right. We live in the state for a while. Was your primary education in French? French. Or in French. French. So how did you learn English? Like staying outside, watching movies? Well, or as a subject? Well, no. I went to Alberta. Then I got tired to go to French church on Saturday. Ah. Okay. All right.
So I couldn't talk French that much, so I got to learn. Okay. But now I live in Alberta for a while. Yeah. And then I moved into the United States for like 20 some years. Okay. And I met actually my wife there 35 years ago. We got married. Nice. अब मैंने ये चीज़ एक बार पहले करी हुई है और ये सस्ते नहीं होते. इनके अंदर दो ढाई ढाई सौ डॉलर जो है देने पड़ते हैं 3 घंटे की टूर के, जिसमें एक गाइड आपको लेके जाता है ऐसे, और लोग अपने अपने स्कीडू पे निकल जाते हैं. मगर प्रॉब्लम ये होती है कि ये नॉर्मल डर्ट बाइक की तरह नहीं, किसी बाइक की तरह नहीं है. जैसे आपने मोटरसाइकिल चलाई हो और आप पहली बार अगर डर्ट बाइक के ट्रैक पे निकल जाएंगे तो हालत ख़राब हो जाएगी. बिसाइड्स पहले ही टेम्परेचर -15 और 20 हो और ये चलाएं 60-70 की स्पीड पे तो हालत ख़राब होने के चांसेस होते हैं. इसलिए बचाव रखना चाहिए. और अगर करनी भी हो तो किसी एक छोटी लेक पे चला लिया, फ्रोजन लेक पे थोड़ा सा मनूवरिंग सीख ली तो अच्छा है, क्योंकि अलग ही तरीके से स्किड मारती है. इसीलिए इसको -25 -30 में चलाने के लिए अलग से गियर लगता है, जो कि रेंट पे भी काफी एक्सपेंसिव होता है. और बच्चों का तो यहाँ पे फिर अलग ही स्वैग है, क्योंकि जहां पे ये भाग रहे हैं इस सरफेस पे आप और मैं शायद बिना फिसले ढंग से चल भी ना पाए. क्योंकि ये कोई प्लेग्राउंड नहीं है, ये एक जमी हुई लेक है जिस पर किलकारियां मारने के लिए माँ बाप यहाँ बच्चों को बिना फिक्र के खुला छोड़ देते हैं. और इस झील पर जिसकी सतह जमकर आइस बन गई है, इस पे कितने लोगों ने स्केटिंग करी है, स्नोमोबाइल, और कितने बच्चों ने इस पे टॉय मोटर बाइक चलाई है, उसका अंदाजा आपको ये निशान देखकर हो ही जाएगा. और ये उम्र में कोई 7 से 10 साल के बच्चे होंगे, जिनमें से एक्सपीरियंस्ड वाले तो एक ही झटके में ऊपर आ गए, बट जो ट्रेनी लगते हैं छोटे वाले वो बेचारे अटक गए. फिर एक्सपर्ट सीनियर साहब आए और घसीट वसीट के उसको बाहर निकाल के ले गए. इसीलिए इन्हें बचपन से ही ठंड के साथ रहने और स्नो को खिलवाड़ बनाने की ट्रेनिंग होती है. भाई इतनी यंग एज से ही ऐसे मौज लेनी शुरू कर देते हैं तो इनको फिर बर्फ का क्या ही खतरा होगा. नहीं तो इसीलिए चल रही है इनकी. मैं सोचा था मैं जाऊं या ना जाऊं फ्रोजन लेक पे, मगर ये लोग तो जो है अपनी बाइक लेके चले गए, होंगे कोई 7-8 साल के. और बच्चों के साथ साथ बड़े भी अपनी एटीवीज पर चहलकर्मी करने निकले हुए थे. और सिर्फ 4.25 करोड़ की आबादी वाले इस पूरे देश में, जो इंडिया से लगभग 3 गुना बड़ा है, ऐसे प्लेग्राउंड्स की कोई कमी नहीं है, और ना ही पेड़ों, झीलों और किसी भी और तरह के नेचुरल रिसोर्स की. और ये भी एक वे ऑफ लाइफ है. वैसे जो सामने आपको लाल आइटम दिख रही है वो 100 साल पुराना लकड़ का एक ब्रिज है. तो जो ड्रोन शुरू उड़ा के जब इसको ऊपर से देखते हैं ना, अलग सी फील आती है. नहीं मम्मी कैमरे में, वैसे तो जगह बड़ी सुंदर है. मम्मी बार बार उधर जा रही थी देखने के लिए, मैंने कहा सड़क है, क्योंकि जो अभी इन्फो सेंटर है और जो टूरिस्ट स्पॉट है सब पे बर्फ पड़ी हुई है, तो इसलिए वहां तक जाने का रास्ता ही बनता. बट फिलहाल ड्रोन शुरू पैक करके अब घर की तरफ निकलते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन दबाना मत भूलिएगा. एंड फॉर मोर सच वीडियोस एंड टाइम अपडेट्स प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ओ सॉरी सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन. हां शाबाश मम्मी को याद हो गया. अब चलो भाई ड्रोन पैक करेंगे. लपेटो.